बड़वानी जिले के गांव बापोड़ा में छात्र नेता पवन शर्मा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना देर रात की है। वहीं सुबह जब पवन के परिजन उठे तो देखा कि पवन अपने बिस्तर पर मृत पड़ा है। पवन के परिजनों ने तुरंत मामले की जानकारी थाना सदर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से कुछ सबूत भी एकत्रित किए हैं। थाना प्रभारी रमेश चंद्र के अनुसार परिजन घर के दूसरे कमरे में सोए हुए थे। उन्होंने बताया कि पवन की लाश घर पर ही मिली है। पवन पूर्व छात्र नेता थे। हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही जारी है। सुबह 6 बजे करीब है ना, सुनील नाम का आदमी है बापुड़े का, उसका फोन आया था। उन्होंने बताया भाई हमारे मेरा भाई था उसका मर्डर हो गया है, तो इतला पाकर मुख्य पहुंचे प्रभाव से, देखे कि उसका भाई पवन है, उम्र करीब उसकी 53 साल के करीब है। वो बेड पर मृत हालत में है, उसके मुंह पर 2 चोटें। सुशील ने एक अपनी लिखित दरखास्त दी है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, उस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जा रही है। नहीं अभी दुश्मन अभी कोई सामने नहीं है। ये 2 लड़के हैं और ये घर पे इसका भाई सुशील और मृतक पवन, दोनों लड़के मैं अरविंद और इसकी पत्नी पुष्पा और इसकी माँ, सभी घर पे मौजूद थे। रात को सोए थे, सुबह 6 बजे देखा तो उम्र ताल पे अभी तक कोई किसी वजह गायब नहीं गया। 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और तफ्तीश जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन में उस आधार पर कार्रवाई होगी। सुबह 6 बजे करीब है ना, सुनील नाम का आदमी है बापुड़े का, उसका फोन आया था। उन्होंने बताया भाई हमारे मेरा भाई था उसका मर्डर हो गया है, तो इतला पाकर हम मुख्य पहुंचे प्रभाव से, देखे कि उसका भाई पवन है, उम्र करीब उसकी 53 साल के करीब है। वो बेड पर मृत हालत में है, उसके मुंह पर 2 चोटें। सुशील ने एक अपनी लिखित दरखास्त दी है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, उस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जारी है।